ठीक है। और आज हम आप लोग के बहुत टेस्टी रेसिपी लाए हैं। उस रेसिपी का नाम है लच्छेदार पराठे और ऑमलेट। तो साथ में हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट हमको चाहिए हैं वो है 2 कप मैदा, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड वार्म वाटर। अभी हम सब चीज़ों को गूंद लेंगे। मेरी मामा साथ साथ आटा गूंद रही हैं और आपको अपनी कल की बात बताती हूँ। अगर आप लोग देखें मेरा गला की आवाज़ में अच्छी नहीं आ रही, गला ख़राब है मेरा। कल ईद थी तो हम ममानों के घर गए और हमारा ओवर ईटिंग हो गई थी। ममानों के घर गए, उनने खाना दिया, हम ना तो नहीं बोल सकते, ईद थी तो हमने खा लिया और फिर उसकी वजह से खराब गला खराब हो गया ओवर ईटिंग की वजह से। देसी का आटा रेडी हो गया है गाइस। अभी हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठे। ये बहुत टेस्टी मेरी मामा बनाती है, आप भी ट्राई करें, इतना मजेदार है ना, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हम रोटी बना के इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। हमारी चाय भी बन रही है। ऑयल को हमने स्प्रेड करने के बाद आटा को स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और इसको ऐसे ऐसे रोल करेंगे। आप लोगों ने देखना सेम साइज के, छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। और हमारे रोल रेडी। अपने एंड्स को भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लेना है, इसी जो अगर मोटे हैं तो वो भी फ्लैट हो जाए। अब आप लोगों ने ऐसे सर्कल करके क्रिस्ट ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल बनाते रहने फ्लावर की तरह। ये देखिए हमारा पेड़ा बन गया। अभी हम इसको बेल लेंगे, फिर आपको बताते हैं। अभी तवे में डाल दिया, अभी इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे। आई साहब देखिए हमने इसको टर्न कर लिया, देखते कितनी अच्छी बनाए, जैसे इसकी कितनी अच्छी सर्कलिंग बनी है, सेम टू सेम जो बाजार में मिलता है वैसे ही। देख सकते हैं हमारे लच्छेदार पराठे रेडी हो गए हैं। अभी हम ऑमलेट बनाएंगे। हम साथ साथ ऑमलेट की भी तैयारी कर लेंगे। जो इंग्रेडिएंट जो हमको चाहिए हैं वो है 5 eggs, टोमेटो एंड ग्रीन चिल्ली, ऑनियन चॉप्ड ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून पेपर है हमारे पास। अभी हम एग को डालेंगे। हम अभी एग को बीट कर लेंगे और इसमें सब चीज़ें डाल देंगे। पहले आप लोगों ने बीट करना है, ऑनियन चिल्ली एंड टमाटो, ग्रीन चिल्ली एंड टमाटो, कोरिएंडर लीव्स मिक्स करेंगे, स्पाइसेस भी हम 1/2। जिन लोगों को आता है वेलन गुड़, जिन लोगों को नहीं आता है हम हमारी सिंपल सिंपल सी रेसिपी ट्राई करें और आप देख सकते हैं कितना प्रोग्रेस आएगा आपके अंदर। मुझे ना अंडा बनाना तो ना चाय रोटी कुछ भी नहीं बनाना था, जो मेरे मामा मुझे सिखा रही है, आप लोगों भी सीखते जाए साथ साथ। पैन में ऑयल डाल दिया है, अभी जो हमारा बैटर है हम ये भी डाल देंगे। इसको 1.5 मिनट तक रखेंगे, फिर आपको टर्न ऑन का तरीका बताते हैं। खाने को पकाए तो हमारी आंच स्लो में रहनी चाहिए, हाई ना करना आप लोगों। पॉइंट पे हम टर्न कर लेंगे। प्लेट में ले लिया है, पैन में ऑयल डाला है हमने और अभी इसको
खीर पकाएंगे, दूसरी साइड को पकाएंगे। हमारा मज़ेदार ऑमलेट और लच्छे पराठे रेडी हैं और अभी हम इसको इंजॉय करते हैं और मिलेंगे आपको बाद में। आप अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय, थैंक यू वेरी मच।